नमस्ते टाइम्स ड्राइव फैमिली में क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का ऑटो एक्सपो विद टाइम्स ड्राइव में। हमारे पास है टाटा मोटर स्टॉल में खड़ी चमचमाती लाल ये पंच। आप कहेंगे चमचमा तो रही है क्या खास, तो ये सामने आप देख ही पा रहे हैं ICNG। ये है CNG वर्जन का पंच जो शोकेस किया गया है। जो पंच है अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है जो कॉम्पैक्ट SUV सब कॉम्पैक्ट SUV से भी नीचे सेगमेंट में जिस तरह से इसने कस्टमर्स को आकर्षित किया है अपने वर्सटिलिटी से और इसके अलावा प्रैक्टिकलिटी से, वहाँ पे एक और प्रैक्टिकल अब ऑप्शन कंपनी लेकर आ रही है CNG वर्जन, और उसमें एक बहुत ही खास मैकेनिज्म का इस्तेमाल हुआ है। कंपनी कह रही है कि ट्विन सिलेंडर CNG है, तो वहाँ पे क्या है मैकेनिज्म और क्या इसकी खासियत है और क्यों इसको लेकर कंपनी इतने ज़ोर शोर से बोले कि हाँ ये ट्विन सिलेंडर है हमारी टेक्नोलॉजी है, तो सबसे पहले बाकी फीचर्स के बारे में बात नहीं करते हैं, सबसे पहले वहीं चलते हैं, लेट्स गो। तो ये CNG गाड़ियाँ तो आपने काफ़ी सारी देखी हैं, यहाँ पे टाटा की ICNG भी आप पहले देख चुके हैं, लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पर चीज़ हम दिखाने वाले हैं इस पंच CNG में वो है तरकीब। कैसे आप इसे देख सकते हैं, इंडियाज़ फर्स्ट ट्विन सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी। अब हम गाड़ियों के इंजन में अगर बात करें, वहाँ पर ट्विन सिलेंडर, ट्रिपल सिलेंडर या इनलाइन फोर, उस तरीके से हम सिलेंडर्स की बात करते हैं। कि CNG में ये ट्विन सिलेंडर क्या है एक्शन, तो हम आपको बताते हैं बल्कि दिखाते हैं। ये देखिए, ये बेसिकली एक बड़े सिलेंडर को डिवाइड कर दिया गया है दो सिलेंडर में, एंड आई थिंक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मैकेनिज्म है और डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि द मोमेंट वी टॉक अबाउट CNG व्हीकल्स, यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा लिमिटेशन नज़र आता है वो ये कि साइज़ जो है वो बिल्कुल कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सिलेंडर को बांट दिया है टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स ने, उससे आपके लिए जो यूज़फुल या प्रैक्टिकल जो स्पेस है वो आपके लिए इसमें निकल कर आ रहा है। और हो सकता है इस सेगमेंट में अगर बात करें जो CNG गाड़ियों की तरफ जाने वाले कस्टमर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा USP हो सकता है, ये एक्स फैक्टर हो सकता है, जिस तरीके से सिलेंडर को हमने यहाँ पर डिवाइड होते हुए देखा है। तो आई एम श्योर ये जो इंजीनियर्स हैं वो खुश होंगे इसके रिजल्ट से जब कस्टमर्स इन गाड़ियों की तरफ आएंगे। तो अंदर देखते हैं क्या है कहानी। यहाँ पे पंच ICNG के अंदर की क्या कहानी है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो इंटीरियर्स है काफ़ी प्रीमियम आपको फील डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ नज़र आएगा, और जो प्लास्टिक क्वालिटी जो इस्तेमाल होती है वो भी आपको प्रीमियम सी नज़र आएगी, मतलब जिस सेगमेंट की गाड़ी है उससे आपको थोड़ा सा बेहतर यहाँ पर नज़र आएगा। और इसके अलावा एक बटन मैं ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर, जी हाँ, ये रहा CNG का बटन जो राइट साइड में आपको देखने को मिला। ओवरऑल जो बटन और फिनिश जो है एक्सेप्ट फॉर ये स्मॉल साइज स्क्रीन, आपको अपने सेगमेंट से ऊंचा या सेगमेंट से अबव वाला लगेगा, सो आई रियली लाइक इट। और जो मटेरियल है वो पहले से आपको ज़्यादा प्रीमियम यहाँ नज़र आएगा, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन और स्पेस कम्फर्ट के हिसाब से ये जगह आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। और जैसे हमने बताया CNG का अलग से यहाँ पे बटन आपको देखने को मिल रहा है। सेकंड रो में बैठते हैं, और यहाँ सेकंड रो में कहानी बहुत अलग आपको यहाँ नज़र नहीं आएगी। आर्मरेस्ट आपको मिल रहा है, दो लोगों के लिए आरामदेह जगह, फ्लोर ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर प्लेन मिल रहा है, तो मैं कहूँगा कि एडजस्ट करके तो 3 लोग बैठेंगे, लेकिन हाँ 2 लोगों के लिए यहाँ पर आपको जगह मिल रही है। लेकिन जैसा आपने बताया कि असली खेल तो यहाँ पे इसके जो CNG के सिलेंडर्स हैं उसके साथ हुआ। कैसा लगा ये जो इनोवेशन है, मैकेनिज्म है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल ऑटो एक्सपो से टाटा पंच ICNG से इस स्टोरी को यही हम खत्म करते हैं, और लगातार कवरेज के लिए प्लीज़ टाइम्स ड्राइव को आप सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इनकेस वो इंटरेस्टेड है इस तरह की गाड़ियों में, शेयर कीजिए स्टोरी। बाय बाय, ड्राइव सेफली।